चुनावी साल में इन दिनों गारंटी वाली सियासत जोर पकड़ रही है। कर्नाटक में गारंटी की नाव में सवार होकर कांग्रेस सत्ता में आई, लिहाजा अब कर्नाटक की 5G वाली योजना एमपी पहुंचे 6G में बदल गई, क्योंकि प्रियंका गांधी एमपी में 6 गारंटियां दे चुकी हैं। मतलब गारंटी के जरिए एमपी में कमबैक को लेकर कांग्रेस काफी आशावादी दिख रही है। कांग्रेस का गारंटी वाला प्लान एमपी में करेगा काम, कर्नाटक जैसा ऐलान। जी हां, चुनाव की घड़ी करीब आते ही कांग्रेस का गारंटी वाला प्लान एक्टिव हो गया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को अपने इस गारंटी वाले प्लान का फायदा भी हुआ, लिहाजा अब मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस अपने गारंटी वाले प्लान को एक्टिव कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको कांग्रेस के कर्नाटक वाली गारंटी बताते हैं, जिससे तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। तो कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना, बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल, शिक्षित बेरोजगारों को 3000 रुपए प्रतिमाह भत्ता, बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए और महिलाओं को परिवहन बस में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। तो इस गारंटी वाले एक्टिव प्लान के जरिए कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में आई। इसी कर्नाटक मॉडल का प्रयोग मध्य प्रदेश में भी शुरू हुआ। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने 5 गारंटियां दी। मध्य प्रदेश की गारंटी के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले 17 सितंबर को हैदराबाद में हुई CWC की बैठक में तेलंगाना को लेकर क्या गारंटी दी गई, ये बताते हैं। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, किसानों को साल में 15000, मजदूरों को 12000, सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बुजुर्गों को 4000 रुपए प्रतिमाह पेंशन और गरीबों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। दरअसल जब प्रियंका गांधी जुलाई में जबलपुर आई थी, तो उन्होंने प्रदेश की जनता को 6 गारंटियों वाला प्लान पेश किया था, जिसमे पुरानी पेंशन योजना लागू करना, महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए देना, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना, 100 यूनिट बिजली को माफ करना और 200 यूनिट का बिल हाफ करना, किसानों का कर्ज माफ करना और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने को लेकर वादा किया था। ये मेरा वादा है आपको, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं 500 रुपए का आपको मिलेगा, आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए, 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी मतलब आधी, हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं, आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया, आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन ले, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। तो कर्नाटक वाला 5G प्लान तेलंगाना और मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते 6G वाला प्लान बन गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी बिसात पर सियासी दलों का स्पेक्ट्रम कितना दुरुस्त है। देखिए, अभी तो ये प्लान खतरे में पड़ गया है, क्योंकि गारंटी देने की जो बात थी कांग्रेस बीजेपी वहाँ उसका मुकाबला कर नहीं पाई थी। तो अभी जो उन्होंने जो गारंटी दी, 5 गारंटी फिर वो बढ़ गई, वो बीजेपी उसका काट ढूंढ रही है। लेकिन मुझे पूरा अंदाज़ा है कि आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस इस अपनी गारंटी प्रोग्राम को और इंक्रीज करने वाली है, ठीक है। और अभी वो इसलिए रुकी हुई है कि लगातार शिवराज सिंह ने जैसे लाडली बहना के पैसे बढ़ाए हैं, जैसे और दूसरी स्कीम ली है, तो वो है। लेकिन अगर बढ़ाएंगे तो अब चूँकि फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का एक फ़ायदा होता है। हालांकि वादे करने में बीजेपी भी पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से भी कई वादे किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसमें कहीं आगे निकल गई है, क्योंकि वह वादे नहीं बल्कि सीधे गारंटी दे रही है। देखिए, कांग्रेस पहले ऐसा कोई भी काम नहीं करती जो साध्यता के आधार पर नहीं हो। पहले हमने राजस्थान में स्कीम को चला के देख लिया, साध्यता देख ली, कहाँ से फंडिंग होगी वो भी देख ली, निश्चित रूप से कर्नाटक में जैसा वचन दिया उस प्रकार से बिल्कुल उसका अनुपालन हुआ, क्रियान्वयन हुआ,
और तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी चूंकि ये हमारा प्लान है और 11 सूत्री जो हमने वचन दिए हैं कांग्रेस ने उसको निश्चित रूप से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे और लाभ भी इसलिए होगा क्योंकि ये वचन है। और दूसरी बात यह है कि कोई प्रलोभन नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण के लिए और मार्केट में पैसा आए, इनफ्लो हो, आउटफ्लो हो, उन सब चीजों को ध्यान में रख के किया गया है। यही इनकी गारंटी है। कर्नाटक में भी जिस प्रकार से जनता को प्रलोभन देख के कई सारे वादे किए लेकिन आखिर में हुआ क्या, धर्मांतरण को बढ़ाने वालों का उन्होंने गारंटी दी कि भैया आप तो धर्मांतरण करिए, कोई कानून नहीं होगा। गौ हत्यारों को बचाने की गारंटी दी उन्होंने। मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की गारंटी को लागू करने की योजना बनाई है उसी में जितने भी विपक्षी दल हैं उनके साथ अलायंस कर भ्रष्टाचार का बंटवारा करने की गारंटी दी है। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जिस प्रकार से धर्मांतरण होता है तब किस प्रकार से जिहादियों को बचाने के लिए कमलनाथ जी गारंटी देते हैं। आतंकवादियों की जब बात आती है तो उसको बचाने उनका पक्ष रखने की गारंटी वो देते हैं किस प्रकार से आतंकवाद बढ़े, और जब सेना इस पर कार्रवाई करती है तो उसका भी विरोध करते हैं। कांग्रेस को अपने गारंटी वाले प्लान का कर्नाटक में फायदा मिला है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गारंटी वाला प्लान वोटर की गारंटी और सत्ता की गारंटी बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि कर्नाटक में जो वचन उन्होंने जनता को दिया था वो पूरा कर दिया और अब वही वचन मध्य प्रदेश की जनता को भी दिया है जिस पर जनता भरोसा करेगी और कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार तक पहुंचाएगी। लेकिन जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस का गारंटी वाला प्लान मध्य प्रदेश में बैकफुट पर चला गया क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के नहले पर दहला मार दिया है। अब जनता को तय करना है कि वो कुछ महीने पहले शुरू की गई मध्य प्रदेश की योजनाओं पर भरोसा करेगी या कांग्रेस के कर्नाटक वाले प्लान पर। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।